आज मैं डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ इट्स अबाउट एंजल नंबर्स ऐसे एंजल्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं बाय सेंडिंग डिफरेंट मैसेजेस इन इन द फॉर्म ऑफ शेप्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स तो ये हम uh, आज जानने की कोशिश करते हैं सो बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल कहते हैं कि एंजल्स कौन होते हैं हु आर एंजल्स इट्स अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस दैट वी रिसीव फ्रॉम आर डिवाइन गार्डियंस दे डोंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अवर लाइज बट कैन ऑफर हेल्प एंड इनसाइड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू ओवरकम अ मेजर ऑब्स्टेकल्स और मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन तो ये एक तरह से डिवाइन गाइडेंस होते हैं हमारे लिए और ये हमें हेल्प करते हैं जब भी हम कोई आ, किसी स्ट्रगल में हम चल रहे होते हैं या हमें कोई मेजर ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आते हैं या हम कोई ऐसा कोई बड़ा डिसीजन है वो ले नहीं पा रहे होते हैं तो एंजल्स जो है उस टाइम पे आके हमें हेल्प करते हैं और यू आर गोइंग थ्रू स्परिचुअल अवेकनिंग एन एंजल सिंपली वांट्स टू कम्युनिकेट अनकंडीशनल लव टू यू एंड टू हेल्प यू रिकनेक्ट विद योर ओन प्योर लव फॉर यूनिवर्स तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज में ये uh, कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं एंड ठीक है एंजल्स आर डिफेंडिंग यू फ्रॉम एविल पावर्स दो यू कांट सी दैम तो एंजल्स तो आप देख नहीं पाते हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो है एविल पावर्स से भी जो है बचाने की कोशिश करते हैं टू टेल यू एंड गाइड यू द रियल पर्पज ऑफ लाइफ तो आपका जो रियल पर्पज ऑफ लाइफ है उसको भी आपको टाइमली जो है वो गाइड करते हैं कि वट आर एंजल नंबर्स एज पर न्यूमरोलॉजी एज पर न्यूमरोलॉजी आर रेपिव सीक्वेंस ऑफ नंबर्स For example, 11 11 triple टू triple थ्री etc. That are shown to you to convey divine messages are known as angel numbers. तो एज पर न्यूमरोलॉजी जो है वो अगर कोई भी नंबर आपको देखते हो चाहे वो अलेवन अलेवन है या triple टू है या triple एट है triple सेवन अगर आपको ये नंबर देखते हैं बार बार तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको कुछ ना कुछ डिवाइन मैसेज मिल रहा है तो आगे हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है When these numbers appear repeatedly in front of you by different ways it means angels are trying to guide you and trying to get your attention agar अगर आपको बार बार ये नंबर कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको बार बार रिपीट होकर dikhta है इन डिफरेंट फॉर्म्स तो ये कहने के आपको एनजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस है जो आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेंशन देना ज़रूरी है ईच नंबर विच यू सी repeatedly हैज डिफरेंट मीनिंग तो हर एक नंबर का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है तो वही हम आगे जानते हैं अगर आपको ट्रिपल जीरो बार बार दिख रहा है ठीक है जीरो ट्रिपल जीरो डबल जीरो दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है जीरो इज एसोसिएटेड विद न्यू अपॉर्चुनिटी दिस कोड सिग्निफाई अ फ्रेश स्टार्ट यू आर वेरी बिगनिंग ऑफ ब्रांड न्यू साइकिल यू कैन मेक बिग और बोल्ड डिसीजन एट दिस पॉइंट इन योर जर्नी अ रिमाइंडर दैट यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टनी तो ये कहीं ना कहीं आपको जो अगर नंबर दिखता है ट्रिपल जीरो तो ये आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा कर रहा है तो आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं कुछ आपका कोई नया एक ब्रांड न्यू साइकिल आपका कोई नया स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर आपको कोई कुछ ना कुछ एक बोल्ड डिसीजन लेके जो है अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रिपल जीरो जो है अगर दिखता है तो आपको ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है अगर ट्रिपल वन दिखता है आपको वन ऑफ द पावरफुल नंबर फॉर मैनिफेस्टेशन इट कैन बी सीन इन क्लॉक या तो आपको क्लॉक में दिख सकता है मतलब जब एलेवन अलेवन कोई टाइम होता है या फिर मैंने एग्जाम्पल दिया इलेवन इलेवन का और नंबर प्लेट जैसे आपको कोई जीरो ट्रिपल वन नंबर दिख गया बाबा आपको एक नंबर रिपीट दिख रहे हैं बाबर तो वैन यू सी दिस सिक्वेंस इट मीन्स योर थाट एंड एनर्जी आर फोकस्ड ऑन वट यू वॉन्ट कैन हेल्प अशर दैट एनर्जी इन टू एग्जिस्टेंस तो ये अगर आपको बाबा देखती है नंबर uh, देखते हैं तो ये सिक्वेंस और नंबर तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक आ, जो है एक इंडिकेशन दे रहे हैं एंजल्स की तरफ से ठीक है और ट्रस्ट योर गट एंड लिसन टू योर हार्ट तो कुछ ना कुछ नया मैनिफेस्टेशन होने की मैनिफेस्टेशन होने की जो है ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है तो आपको अपने आ, अपने पे विश्वास करना है और उसको दिल की बात सुननी है तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है ट्रिपल टू अगर आपको दिखता है तो ये आपको अगर बार बार दिखते हैं नंबर्स तो टू सजेस्ट बैलेंस एंड ट्रस्ट इट मीन्स सम वन इधर इन फिजिकल रेल और स्परिचुअल डोमेन इज हेल्पिंग यू गेट वेयर यू नीड टू गो तो मतलब आप जो भी रास्ते पर जा रहे हो वो आपको uh, आप सही रास्ते पर जा रहे हो कि टू नंबर जो है वो बैलेंस और ट्रस्ट का नंबर है इट कुड इंडिकेट एन एक्सीलेंट टाइम टू रीच आउट टू योर मोस्ट ट्रस्टेड कंपेनियन यू आर इन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम तो आप जो है सही जगह पर हो सही सही समय पर हो तो ये आपको कहीं कही ना कहीं इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एंजल्स ट्रिपल थ्री देखते हैं इट इज एन इट्स एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक क्रिएटिविटी इट कुड मीन दैट यू मे हैव अपॉर्चुनिटी टू एड योर यूनिक टैलेंट्स एंड एबिलिटीज टू अर सिचुएशन योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू सेंडिंग यू लव सपोर्ट एंड गाइडेंस तो ये भी कहीं कही ना कहीं आपके जो कोई uh, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी छुपी तो हुई है उसको uh, उभारने की कोशिश मतलब आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं या आपको जो है उस तरफ बढ़ना चाहिए जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी की जो भी टैलेंट्स हैं आपके अंदर एबिलिटीज हैं तो वो आपको जो है उभारने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कहना कि आपको इंडिकेशन मिलता है थ्रू एंजल्स ठीक है ट्रिपल फोर देखते हैं फॉर सिम्बलाइज स्टेबलाइजेशन डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प और असिस्टेंस ये वर्किंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एक्सपर्टीज फंडामेंटली दिस इज अबाउट इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट दैट विल एम्पावर यू टू रीच न्यू हाइट्स यूनिवर्स एंड योर spiritual गाइड्स आर फ्रेटिंग यू तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये आपका जो है फोर्स मतलब स्टेबलाइजेशन की तरफ आपको बता रहे हैं इंडिकेशन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं से हेल्प चाहिए अगर आपको कभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको जो है वो हेल्प मांगने में डरना नहीं चाहिए तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसे इंडिकेशन आपको जो है नंबर आप देखते हो तो आपको मिलते हैं

और अगर आप कोई नंबर देखते हैं तो आप ये कि आपके लिए कोई समथिंग न्यू इज कमिंग मतलब कुछ नया होने वाला है और अच्छे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है तो ये आपको कहीं ना इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ट्रिपल सिक्स जो है इवन दो सम में फियर स्पेशली ट्रिपल सिक्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन विद डेविल एंड डमन फिगर्स बट इट हैज अ सपोर्टिव कम्पेशनेट एंड एम्पैथेटिक नेचर दिस थिंग्स में नॉट ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू प्लान बट With this angel number विद is on your side, you can choose how to interpret a situation. Uh, remembering everything happens for a reason. It's time to wake up to your higher spiritual तो so, ये आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है तो ये आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है तो ये आपको जो है एंजल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे एंजल नंबर ट्रिपल सेवन की देखते हैं बात करते हैं सेवन इज एज लकी एज लकी इन एंजल नंबर्स एज इट इज एट कैसिनो इट मीन्स गुड फॉर्चून स्पेशली फाइनेंस वाइज कुड बी ऑन द वे न्यू मोनिट्री अपॉर्चुनिटी मे अराइज वंडरफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन तो ट्रिपल सेवन एक आपको मतलब क्योंकि सेवन नंबर वैसे लकी नंबर मानते हैं हम लोग तो अगर ट्रिपल सेवन दिखता है आपको बार बार कहीं पर तो आपको ये कहीं ना कहीं मोनिट्री अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको गाइड कर रहा है तो आपको बेसिकली एक वंडरफुल थिंग्स कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है ये भी आपको एक इंडिकेशन दिख रहा है एंजल नंबर ट्रिपल एट ऑफ द मोस्ट नंबर इन इट को रिफ्लेक्ट अ कनेक्शन टू अचल यूनिवर्स इन अ पावरफुल वे दोस्ट बिलीव इन आफ्टर लाइफ में सी एट एज अ साइन एंडल सपोर्ट फ्रॉम लवन हुव क्रॉस्ड ऑन एट इज सिंबल ऑफ इंफिनिटी सो डोंट अफ्रेट टू डाइव इन टू योर इंटर वैन दिस एंजल नंबर अपीयर्स तो अगर आपको ये नंबर दिखता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नंबर है तो यहाँ पर भी जो है आपको कहते हैं सुपर सपोर्ट आपको मिल रही है फ्रॉम द डॉट वन जो आप जा चुके हैं तो आपको वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले आने की कोशिश मतलब ये आपको इंडिकेशन मिलता है अब देखते हैं नंबर नाइन के बारे में ट्रिपल नाइन अगर आप देखते हैं आपको तो ये दिस इज द फाइनल डिजिट इट्स अ चैप्टर मे बी कमिंग टू एंड A meaningful cycle could come to close and you will soon be beginning a brand new journey. This is the best time to step outside your comfort zone and expand your horizon and explore new territory. Spiritual universe will be sure to support your courageous choice. तो ये एक इनके last number hai digit ka तो ये कहना कि ये एक कहते हैं final digit है, तो इस इस last चैप्टर में भी coming to end कोई जो आप जो भी काम कर रहे हो वो एक towards the end की तरफ है तो आपको कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए कोई आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है ये आपको एक इंडिकेशन मिल रही है और मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और कुछ ना कुछ नया देखना चाहिए इन द टू एक्सप्लोर न्यू टेरिटरी तो ये आपको वहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है एंजल सिंबल्स एंड साइन एक तो हमने नंबर्स की बात की इसके अलावा कुछ और भी साइंस या कुछ शेप्स होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं जिसमें हमने uh, लिखे हैं एंजल शेप्स रिंगिंग गबो नंबर प्लेट क्लॉक सडन चिल्स हीट सडन फ्लो ऑफ एयर फ्रेग्रेंस ड्रीम्स बटरफ्लाइज फ्लैशज ऑफ लाइट वाइट फैदर एनिमल मैसेजर्स इंटन टेलीपैथी मीनिंगफुल मैसेज तो ये भी एक इंडिकेशन है जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके आस पास ही जो हैं एंजर्स आपके आस पास ही हैं और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पर अपने विशेष जो हैं मांग सकते हैं जैसे कि आपको अगर एंजल्स शेप्स जैसे अगर आप देखते हैं कि क्लाउड्स के अंदर कोई आपको ऐसा शेप दिख रहा है ना एंजल्स का शेप दिख रहा है या कहीं आपको पेड़ में ऐसा कोई दिखा ट्री के अंदर कहीं भी आपको ऐसी शे, कोई शेप दिखती है तो इसका मतलब आपको एक इंडिकेशन है कि आपके जो एंजल्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपके आसपास ही हैं तो आप उनसे उस टाइम पे कोई भी विश मांग सकते हैं सेम वे ऐसे ही जब रिंगिंग गयर्स मतलब कि आपके कोई अचानक कोई कहते हैं ना कि बेल्ट की आवाज़ सुनाई दे दे या कुछ और भी ऐसा म्यूज़िक जो आपको मतलब आपके आस पास नहीं चल रहा होता बट आपको सुनाई देता है और आपको अच्छा लगता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आपके आसपास ही जो है एंजल्स हैं और आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं आप उस टाइम पे अपना जो है विशेष मांग सकते हैं ऐसे अगर आप कोई देखते हैं चलते चलते है आपको रेनबो दिखाई दे जाए है ना तो ये भी एक इंडिकेशन है ये भी कहीं ना कहीं आपको जो है एंजल्स कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं आप उस टाइम विशेष मांग सकते हैं ये तो हमने डिस्कस किया कि नंबर प्लेट जो है आपको ऐसे नंबर दिख जाए है ना ट्रिपल एट जैसे यहाँ तो सिक्स टाइम आई थिंक सेवन टाइम्स एट दिखाया दिख... दिख रहा है तो ऐसे कोई नंबर आपको दिखते हैं बार बार रिपीट होते हैं तो जैसे मैंने बताया पीछे कि ट्रिपल एट का मतलब क्या होता है वो आपको वहाँ से वो इंडिकेशन दिख रहा है आपको तो ये भी कहने के अंजर्स आपके आस पास हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं क्लॉक में भी अगर आप देखते हो आपने चानक देखा तो ग्यारह बज से ग्यारह मिनट हुए हैं एलेवन एलेवन हुआ है या आपने मोबाइल में देखा तो वो भी टाइम सेम आ रहा है या कहीं भी आपने ऐसा अच्छा देखा या नंबर प्लेट देख ली तो ये भी कहने का के आपको इंडिकेशन दिखता है कि आपको एंजल्स जो हैं सपोर्ट करने वाले हैं सडन चिल्स या हीट और एंड फ्लो ऑफ एयर्स मान लो आप ठंड के मौसम में आप अचानक कोई गर्म हवा आपको महसूस होती है या आप गर्मी के मौसम में आपको सडन मतलब कि आपको कोई ठंडी हवा महसूस होती है है ना फ्लो ऑफ एयर लगता है आपको अचानक आपको मतलब अच्छा एक अच्छा फील करते हो आप तो ये भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आपके आसपास ही एंजल्स हैं और आप जो है आपकी हेल्प के लिए आए हैं और आप उनसे कोई भी विश मांग सकते हैं उस टाइम पे तो ये आपको ध्यान रखना है उस टाइम पे फ्रेगरेंस जैसे आ, कोई आपको अच्छी खुशबू एकदम आनी शुरू हो जाए जबकि आस पास कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं ठीक है इन दी फॉर्म परफ्यूम हो गया या कोई आपको फ्लावर्स की खुशबू वाले देते हैं गुलाब के फूल होते हैं उनकी खुशबू आ रहे हैं या कोई भी अनदा जो फ्लावर्स uh, हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि आपके आसपास ही एंजल्स uh, हैं और आपको वो हेल्प करने के लिए आए हुए हैं और आप अपनी विशेष मांग सकते हैं और आपको एंजल्स ड्रीम्स के अंदर भी हेल्प करते हैं मान लो आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो आप कहीं जर्नी पर जा रहे हो तो आपको वो एंजल्स आके गाइड करते हैं कि आपको जाना या नहीं जाना आपको ये डिसीजन लेना नहीं लेना तो ड्रीम्स के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं के ये इंडिकेशन मिलता है थ्रू एंजल्स तो आप अपना डिसीजन उससे अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं बार बार आपके आसपास से आ रही हैं आपके पास से जा रही हैं तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके आसपास ही जो है एंजल्स हैं और आपको वो हेल्प करने के लिए आए हुए हैं तो आप उस टाइम पे अपनी विशेज मांग सकते हैं फ्लैशेज़ ऑफ लाइट अगर आपको अचानक कोई ऐसे लाइट्स दिखती हैं ना आपके आइज़ के आसपास कोई वाइट कलर की लाइट दिखी या कोई ऐसी लाइट दिखी तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपको जो है एंजल आपके आसपास ही हैं आपको हेल्प करने आए हुए हैं और आप उससे अपनी विशेष मांग सकते हैं सेम वे अगर आपको आपके पास ही कोई वाइट फैदर कोई गिर गया आपके ना आपके, आपके खड़े हैं तो वहाँ पर आपको दिखता है तो वो भी एक इंडिकेशन है एनडल्स का कि वो भी आपके आसपास ही हैं तो ये आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं एनिमल मैसेंजर्स एनिमल्स भी आपको पता ही है कि पेट्स जो होते हैं डॉग्स या कैट्स ये भी कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी डिफरेंट बिहेव करते हैं आपको एक इंडिकेशन देते हैं मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं या किसी भी फॉर्म में आपको वो अपने जो उससे बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ तो वो भी एक कहीं ना कहीं मैसेज है थ्रू एंजल्स कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये करना है नहीं करना जाना नहीं जाना तो वहाँ भी आपको जो एक इंडिकेशन मिलता है इंट्यूशन या टेलीपैथी इंट्यूशन में जैसे आपको कोई आपको इंट्यूशन हुई कि यहाँ भी uh, कोई आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और आपको यू कि, नो you know, कि किसी बंदे से मिलना है या उसकी ज़रूरत है और वो अचानक आपके सामने आ जाता है या आपने किसी को याद किया और एकदम वो आपके सामने आ गया या उसने आपको फ़ोन कर दिया तो ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आपको uh, जो है टाइमली uh, आपकी हेल्प हो रही है आपको कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं आपके वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप देखेंगे आपको कोई मैसेज दिख गया कहीं पर आपने फ़ोन पे आपने कोई खोला या कहीं पर भी आपने लैपटॉप पे खोला या कोई बुक खोली तो आपको कोई एक मैसेज दिख गया तो ये भी जो मीनिंगफुल मैसेजेस आप पढ़ते हो या अचानक आपके सामने आते हैं तो ये भी आपको एक इंडिकेशन है कि आपको आपके जो एंजल्स आपके पास ही हैं और आपको कुछ कहना चाहते हैं कुछ आपको इंडिकेट करना चाहते हैं तो ये कुछ मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है एंजल्स नंबर्स काम करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स और इन दी फॉर्म ऑफ शेप्स है या डिफरेंट डिफरेंट मीनस के थ्रू तो ये आपको ध्यान रखना है कि uh, किस टाइम पे जो है उनका क्या मैसेज आपको मिल रहा है कुछ कैसे आपको फॉलो करना है तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स अगेन